अस्सलाम वालेकुम। जब से होम T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड से खेली जाएगी 14 तारीख के को, उसकी टीम का ऐलान हुआ, तब से बहुत ही रूमर, बहुत ही लड़ाइयाँ, बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पुराने खिलाड़ी कर रहे हैं, हर कोई शोर मचा रहा है, फलाना खिलाड़ी टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो भी हम बात करते हैं कामरान अकमल की, जिन्होंने आज एक धुएंदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि एक इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी को। उन्होंने बड़ा ही क्रिटिसाइज किया है टीम को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे भाई उमर अकमल को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया, कि उन्होंने PSL में बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस आई बकौल उनके, कि उनको टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड नया है, कोचिंग स्टाफ नया, मगर कप्तान तो पुराना। उन्होंने दबे लफ्जों में बाबर आजम पर शदीद तनकीद की कि उन्होंने परफॉर्मेंस के बावजूद मेरे भाई को शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा भाई को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलता। तो उन्हें दबे लफ्जों में बाबर पे शदीद तनकीद की। तो अभी हम जरा उमर अकमल की PSL में परफॉर्मेंस आपके सामने रख देते हैं, तो आप उसके बाद खुद फैसला कीजिए कि उमर अकमल को टीम में शामिल होना चाहिए था कि नहीं। तो कामरान उमर अकमल एज बैट्समैन खेलते हैं, तो उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस हम बता देते हैं। PSL में बहुत से खिलाड़ी खेल रहे थे, तो माशाल्लाह जो स्कोर बोर्ड बना है उसमें टॉप स्कोरर थे मोहम्मद रजवान, दूसरे नंबर पे थे बाबर आजम, और हमारे अक्कू भाई हैं वो हैं 44 नंबर, यानी कि 44 नंबर पे उनकी परफॉर्मेंस आई है बैटिंग में। और उन्होंने 6 मैच खेले हैं जिनमें 5 मैचों में उनको बारी मिली, एक बार वो नॉट आउट रहे। उन्होंने पूरे 95 रन बनाए, यानी कितने पूरे 95 रन बनाए हैं, जिनमें उनका 43 हाईएस्ट स्कोर था, मैच वो भी हार गई थी टीम। 23 की उनकी एवरेज है और 51 उनका BF है। स्ट्राइक रेट थोड़ा अच्छा था उनका, 186.27 का था। ये सारा उन्होंने पिंडी स्टेडियम में किया है, जो बैट्समैनों की जन्नत समझी जाने वाली PVCR थी, और उसमें उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए हैं। तो आप ही बताएंगे 95 रन बनाने पे एक पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ी को, जिसने 6 मैचेस खेले हैं जिनमें 5 में उनको बैटिंग मिली है, तो उनको कैसे टीम में शामिल किया जाए। तो फिर अगर ये बात सही है कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो जो 43 खिलाड़ी जो उनसे ऊपर है, जिनमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी है, तो उन बाकियों को क्या कसूर है, तो फिर उन बाकियों को भी टीम में शामिल करना चाहिए। तो कामरान अकमल भाई को मैं यही बताऊंगा, ये वो टाइम नहीं है कि आप जैसे मर्जी प्रेफरेंस कॉन्फ्रेंस करें, एजेंडा चलाएं कि आपके खिलाड़ी बोर्ड प्रेशर में आके कर लेगा। तो बाबर आजम बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के कप्तान है, वो किसी की नहीं सुनते, टीम की ही सुनते हैं, पाकिस्तान के बारे में ही सोचते हैं। एक टाइम था कि उमर अकमल खेलने के लिए इनकार करते थे कि मेरे भाई कामरान अकमल को क्यों नहीं शामिल किया गया, तो यही वो कर रहे हैं कि मेरे भाई को क्यों नहीं शामिल किया। तो उनको मैं बताता जाऊं कि ये इनके घर की टीम नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है, तो ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ वही खेलेंगे जो परफॉर्म करेंगे। तो आप ये पर्सनल एजेंडा छोड़ दें, बाबर आजम के छोटे भाई हैं, आप उनकी इज्जत करें, दुनिया उनको इज्जत देती है, आपकी इज्जत करने ना करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दबे लफ्जे में आप उन्हीं पे ही तनकीद करते हैं, तो इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते। तो यही बाबर आजम के साथ हो रहा है कि भाई पसंद नापसंद पे अगर वो अपने कज़न को खिलाएं तो वो ठीक है, अगर नहीं खिलाएं तो वो बुरे कप्तान है, वो अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, पर्सनल गोल्स के लिए खेलते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो पुराने खिलाड़ियों को थोड़ी अक्ल आनी चाहिए, अब ये वो ज़माना नहीं रहा। तो पहले टीम पर बहुत तनकीद हो रही है, तो अब 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, हर किसी को तो नहीं खिला सकते। बहरहाल आपको मुझे वीडियो कैसी लगी, तो आप तमाम नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।